एबीपीएस न्यूज। एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बुलंद शहर के ब्लॉक खुर्जा में स्थित रामगढ़ी गांव पड़ा। वर्तमान में गांव के विकास के लिए ग्रामवासियों ने सुमित कुमार को प्रधान के रूप में चुना है। लगभग 2500 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 33 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 15 किलोमीटर ही है। लगभग 1700 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। वर्तमान समय में गांव में लगभग 325 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राइमरी पाठशाला एवं जूनियर हाई स्कूल में लगभग 140 बच्चे अध्ययनरत हैं। गांव में पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 18 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा 5 नल रिवॉर कराए गए हैं। इसी के साथ बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 40 विद्युत पोल, ट्रांसफार्मर व सोलर लाइट भी लगी हुई हैं। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसीटाइज रोड, नौ खडंजे, पानी निकासी के लिए नाली, आंगनवाड़ी केंद्र, पंचायत घर की बाउंड्री, स्कूल में मरम्मत कार्य व आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण भी कराया गया है। इसी के साथ ही वर्तमान प्रधान की देखरेख में गांव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 75 इज्जत घर व एक लोहिया आवास का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में 7 प्रधानमंत्री आवास, इज्जत घर, स्वास्थ्य केंद्र, शमशान घाट की बाउंड्री, सीसीटाइज रोड व खडंजे के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। गांव में 5 इंटरलॉकिंग कराई है मैंने, स्कूल में काम कराया है, 2 खरंजा करवाए और नाली भी बनवाई है, पंचायत घर वही ये मैंने काम करा दी है। पंचायत घर में जो भी टूट फूट थी वो करा दी है और उसमें पेंट वेंट करा दिया है। और हमारे यहाँ ना तो वृद्धा पेंशन है बनी है अभी, ना विकलांग पेंशन है और ना शमशान घाट है, उसकी कोई अभी मांग की है हमने। और लोहिया जो भी ग्राम ये प्रधानमंत्री आवास हैं वो भी ना बने, वो साफ की मांग की है। जो बिल्कुल झोंपड़ी है हमारे गांव में साफ, जो झोंपड़े में अपना बसर कर रहे हैं।